मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा 25 सितंबर को बेटमा पहुंची। यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर शहर कांग्रेस द्वारा तैयारियां शुरू की गई थी। प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों से कांग्रेस के 7 सीनियर नेताओं ने इन यात्राओं की शुरुआत की है। ये यात्राएं लगभग 11,400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता जनता के बीच प्रदेश सरकार के घपले घोटाले रख रही है, साथ ही कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार के कामकाज और उनके 11 वचन भी जनता के सामने बताए जा रहे हैं। यात्रा के बैठमा आगमन आगाज पर कांग्रेस के नेता प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। मालवा में मंदसौर से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की, जो देपालपुर होते हुए बैठमा पहुंची, जहां इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष व स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माने जा रहे मोती सिंह पटेल व क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल द्वारा अलग अलग मंच से स्वागत किया गया। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा 18 साल से जनता के शोषण के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बार जनता का आक्रोश है, इसलिए हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। पटवारी ने मंच से सीएम व भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बनाने की बात कही। इस अवसर पर ग्राम सनावदा और बिल्लोद से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को जीतू पटवारी द्वारा स्वागत किया गया। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जब नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या शिवराज है, तो मौन रहे, बोले नहीं, एक शब्द नहीं निकाला, मुस्कुरा दिए। जब अमित शाह से जबलपुर में पूछा कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, अमित शाह ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हम चुनाव के बाद बता देंगे, इसमें आपको बीच में पड़ने की क्या जरूरत। फिर यही बात उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कही। तो जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी को आशीर्वाद नहीं देना चाहती है, तो फिर जनता क्यों दे, सही है गलत? अरे जनता क्यों दे? और फिर जन आशीर्वाद किस बात का? इस बात का कि आपने 1 करोड़ नए बच्चों को बेरोजगार बना दिया। किस बात का? इस बात का कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है 4 लाख करोड़ का। इस बात का कि महिलाओं के अपराध और अपहरण में हमारी सरकार नंबर वन है। हमारी सरकार एनसीआरबी के आंकड़े, नरेंद्र मोदी के आंकड़े, वो बताती कि सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है तो मध्य प्रदेश की है। अरे भैया, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी 2022 तक, किसानों की आय दुगनी करने की बात 2018 में करी थी शेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री, जब गेहूं का भाव था 1925 रुपया, आज का ये गेहूं का भाव, अरे सरकारी भाव का यार 2140 रुपया, तो 200 रुपया में डबल हो गए। अरे नेटून नीचे झुकने को काम करो, फिर गए आशीर्वाद दो, दमिड़ों का आशीर्वाद, अरे मिलेगा क्या साथियों? इसी बैठमा के अंदर एक जन आशीर्वाद यात्रा निकली और एक जन आक्रोश, ये आप सामने दिख रहे हैं। कथनी और करनी में क्या फर्क है? उसमें कितने लोग थे, क्या था? एक पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री और अनेक लोग आते हैं। यह हमारे कांग्रेस पार्टी के सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही करते हैं। उसी में आप देख सकते हैं कि जनता जनार्दन का जो जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है माननीय कमलनाथ जी की सरकार बने और वो मुख्यमंत्री बने, यही हर एक व्यक्ति का स्वप्न है। जो व्यक्ति करता है उस पर विश्वास होता है, सिर्फ घोषणा करने से मुख्यमंत्री नहीं बनता। जन आशीर्वाद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा को इतना भारी समर्थन मिला, हजारों हजार लोग, हजारों हजार किसान, हजारों हजार युवा, जो ये आक्रोश है युवाओं के साथ होने वाले अत्याचार का, ये आक्रोश है किसानों के दर्द का, बहनों के साथ अत्याचार का, कर्मचारियों का। मैं मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस बार बीजेपी को हटाने की लहर चल रही, और शिवराज ने जिस तरीके का एक लोकतंत्र की, अमर्यादित लोकतंत्र की धारणा मध्य प्रदेश में बना दी है, वो आम जनता में घर कर गई बदलाव का। अभी कमलनाथ जी के प्रति जो आस्था, जो उन पर विश्वास, जो उन पर भरोसा आम जनता का बना है, मैं मानता हूँ ये इतनी बड़ी तादाद बेटमा में ये बताती है कि कांग्रेस आने वाली है, कमलनाथ जी आने वाले हैं, बीजेपी और शिवराज जी जाने वाले हैं। सो से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, चोरी से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुरा ली। आज पूरे प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है और पुनः वो कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहते हैं। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, महिला परेशान, दलित, व्यापारी वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपने आप को ठगा महसूस नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकल रही है और आज जो यात्रा है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में देपालपुर से शुरू हुई और बेटमा में आई है। यात्रा का हर स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। बेटमा में भी आदरणीय हमारे कलाम नेताजी, सचिन सोनी जी, तोतला जी, मलिक साहब और सबके नेतृत्व में जोरदार यात्रा का स्वागत हुआ और ये संकेत है कि आने वाले 2-3 माह के बाद प्रदेश में कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, ये निश्चित है और आपकी और हमारी और जनता की सबकी यही भावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।